बाबा हमेशा कहते हैं, जो दुख देता है ना वो दुखी होकर मरेगा। अपने तरफ से बाबा की श्रीमत अकॉर्डिंग सुख देना, इसको कहेंगे सुख देना। हम कहेंगे मेरे हिसाब से तो मैं देती हूँ, मेरे हिसाब से सुख देना नहीं होता। क्या वो बाबा की श्रीमत अकॉर्डिंग था, ये देखना होगा। तो इसको बाबा कहते हैं सुख देना, श्रीमत अकॉर्डिंग देना। चलो बाबा के शब्दों में, 30/6 लास्ट डे ऑफ द मंथ, मीठे बच्चे बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो। सर्विसेबल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो। सपूत बच्चा तो बाबा के अकॉर्डिंग सपूत बच्चा। अच्छा प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना। धर्मराज की सजाओं से छूटना है तो ये कौन सा ईश्वरीय नियम का बहुत ध्यान रखना होगा, कौन से ईश्वरीय नियम? धर्मराज की सजा किसी को दुख नहीं देना, और दूसरा देखो कौन कौन सी ईश्वरीय मर्यादा है। कभी भी ईश्वर के सामने, हाँ बोलो कुसुंदर, झूठ नहीं बोलना था बाबा से। झूठ नहीं बोलना। कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी है। बाबा को सामने प्रॉमिस किया और फिर बाद में अवज्ञा की, प्रॉमिस कर दिया बाबा अब से मैं ये नहीं करूंगी। कोई काम सारे, किसी को दुख नहीं देना। नेट आपका ठीक शायद नहीं है। दूसरा है किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलना जिसे ईश्वर का नाम बदनाम हो। ऐसी चलन चलना जिसके तो उन्हें तो ये सब चार बातें हैं। बाबा से प्रतिज्ञा कर अवज्ञा नहीं करना, और दुख नहीं देना, क्रोध, तंग, और बाबा का नाम बदनाम हो। कोई सोचे बाबा ब्रह्मा कुमारी इसमें तो नहीं जाए, तो उन्हें बहुत सजाए खानी पड़ती है। इसलिए कोई ऐसा कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। कुछ भी हालत हो जाए, माया की कैसी भी तूफान। एक्चुअली जिन्होंने बाबा के ज्ञान को, नियमों को अपना जीवन, अपना प्रिंसिपल्स बनाया ना, वो बहुत, वो हम, वो बच्चे बहुत सेंसिटिव भी होंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि फिर वो धर्मराज की सजा मिलेगी। प्रिंसिपल्स अर्थात नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, और कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, आंख न जाने दिल पहचाने, आंख न जाने दिल पहचाने सूरत सूरतिया कुछ ऐसी, आंख न जाने दिल पहचाने सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद ना आए, याद करूं तो याद ना आए मूरतिया ये ऐसी, याद करूं तो याद ना आए मूरतिया ये ऐसी। पागल मनवा सोच में डूबा, पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। एक पल सोचूं मेरी आशा, एक पल सोचूं मेरी आशा,
रूप बदल कर आई, एक पल सोचू मेरी आशा रूप बदल कर आई, दूजे पल फिर ध्यान ही आए हो ना कोई परछाई, दूजे पल फिर ध्यान ही आए हो ना कोई परछाई, जो परदेसी के घर आई एक अनोखा प्यार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। कौन आया है बताओ आप, बाबा आए अब आप तो बाबा आए कौन सा पायल कौन सा पायल मुरली ज्ञान खुशियों के झनकार मुरली ज्ञान का खुशी का मुरली का पायल लेकर बाबा झनकार कर रहे अभी। ये ओम शांति ये किसने कहा ओम शांति ओम शांति, फिर ये किसने कहा ओम शांति, बाप और दादा। ये तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है परमपिता परमात्मा शिव, और ये ब्रह्मा सब बच्चों का लौकिक बाप है, इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसको होते हैं क्या सिवाय प्रजापिता के, पहले नहीं थे जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया तो यह हो गया दादा। ये दादा खुद कहते हैं तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं, उनका बुद्धि योग दादे से दादे में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है ना, पोत्रे को तो मिलता ही मिलता है ना दादे के प्रॉपर्टी का, फादर को तो फिर भी चॉइस होती है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे ऐसे ही कहेंगे ना बड़ों की प्रॉपर्टी है, बड़ों की प्रॉपर्टी पर उनका हक ही है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, बाप मतलब वर्षा, बाप मतलब प्रॉपर्टी, इसलिए बाप दादा की बोलते प्रॉपर्टी, माँ नानी की नहीं बोलते, बाप दादा, तो दादा की प्रॉपर्टी और बाप की प्रॉपर्टी, ये वारिस ये वर्षा होता है। बेहद बाप की प्रॉपर्टी, बेहद बाप की प्रॉपर्टी है स्वर्ग। तो बाबा कह रहे हैं तो बड़ों की प्रॉपर्टी पर उनका हक की है, तुम हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, हमको वह बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सम्मुख बैठे हो, सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है, कोई की दिल में तो बड़ा लव रहता है, हम ऊंचते ऊंच भगवान के आकर इस साकार मात पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं, माया ने बिल्कुल ही ना लायक बना दिया। कल बाबा के पास कोई मिलने आए थे परंतु वह कुछ समझते थोड़ी थे, कोई बाबा के पास मिलने आए कोई आए होंगे, बाबा हमेशा जनरली नयों से कभी नहीं मिलते थे बाबा, बाबा कहते वो बाप को क्या जाने, तो पहले दादियों को भेजते थे, तुम ज्ञान की टिकलू टिकलू उनसे करो फिर बाबा मिलेगा 7 दिन के बाद, और 7 दिन तक वो इंजेक्शन बड़े पावरफुल लगाती थी दादिया। आत्मा तो ठीक है लेकिन वो निराकार परमात्मा भगवान वो ब्रह्मातन में आया है, वो ब्रह्मातन यहाँ है, ऐसे करके रोज रोज हाँ तैयार करती थी। बाबा कहते हैं अब वो बाप को तो नहीं जानते हैं, बाबा ने समझाया ये सब ब्रह्मा कुमार है, तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना, कहाँ है तो जरूर है, ये सिर्फ सुनकर कहा। बाबा ने कहा यहाँ सब बाबा बहुत प्लेन बाबा मिलते थे ना कभी कभी किसी नॉन बीके नयों से प्लेनली, जैसे ये सब ब्रह्मा कुमार है बाबा जो बताया वहां उस बच्चे को, तो तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना, कहाँ है बोला है तो जरूर, ये सिर्फ सुनकर कहा परंतु दिल में लगा नहीं। उसने बोला कहाँ, उसने कहा है तो जरूर, तीर लगाने की सचमुच हम उनके बच्चे हैं,
ये भी उनके बच्चे वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। बाबा ने भी कोर्स भी कराया है, ब्रह्मा बाबा ने, आप लोग को पता है ब्रह्मा बाबा ने कोर्स कराया। किस किस को कराया ब्रह्मा बाबा ने कोर्स? दादी हृदय पुष्पा को भी कराया था ना? हाँ हाँ, दादी हृदय पुष्पा को, हृदय पुष्पा दादी को बाबा ने कोर्स कराया। जगदीश भाई को नहीं, कुंज दादी, जगदीश भाई ने तो दादी कुंज दादी से कराया। दादी तो हृदय पुष्पा दादी थी, उनके पूरे परिवार को, फादर था उनको, बाबा ने कोर्स कराया। बाबा कोर्स कैसे कराते थे? नोटबुक पेन लिया, ड्राइंग किया, ड्रॉ कर देते थे ब्रह्मा बाबा। ये आत्मा और ये शरीर, ये ह्यूमन बीइंग और ये ह्यूमन बॉडी, क्या फर्क है? तो तुम कौन हो? आत्मा। सुना ना सभी पूर्वजों की गाथा में, भूल गए, रेफर करो। तो अब तुम कौन हो? आत्मा हो। दृष्टि दी, हुई आत्मा की फीलिंग, कंफर्म मैं आत्मा हूं, एक दिन में मैं आत्मा हूं। मम्मा की माँ और मौसी को भी बताया था, उसी दिन उनको क्लिक कर दिया, उनको भी कराया, एक दिन में कंफर्म। अभी यहाँ एक एक महीना लग जाता है, मैं आत्मा हूं। फिर समझते हैं, फील करना, बाबा कोर्स कराते थे। तो बाबा ने उनको कहा, तुम शिव के बच्चे हो, ये सिर्फ सुनकर कहा परंतु दिल में लगा नहीं। ये भी उनके बच्चे वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है, वह खुशी व रुहाब दिखाई नहीं पड़ता है। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, वह सारा चेहरे पर भी आता है। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है, तुम जानते हो हम साजन की सजनिया है। कल था ना, कल क्या था इसके बारे में? रूहानी श्रृंगार करना, जिस्मानी श्रृंगार छोड़ना है, रूहानी श्रृंगार करना। तो बाबा कहते सजनियों का श्रृंगार करने आए हैं। रूहानी श्रृंगार कितना अच्छा लगता है, बाबा का श्रृंगार। आंखों में आत्मिक दृष्टि देखो तो इच्छा होती, शक्ति मिले। आंखों में रहम की दृष्टि, कल्याण की दृष्टि, तो ये आंखें अच्छी लगती है। या बुरी दृष्टि हो, दैहिक दृष्टि हो, कितनी अच्छी लगती है वो आंखें। ज्ञान का अंजन हो, सारा समय बड़ी बड़ी आंखें, ज्ञान की आंखें, नेत्र खुला हुआ हो। ये क्या काजल से कहते ना, आंखें बड़ी होती है, काजल लगाते थे पहले। तो ज्ञान अंजन लगाओ, कितना अच्छा श्रृंगार है। तो यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं। तुम जानते हो हम साजन की सजनिया है। एक खेती का काम करने की लड़की की कहानी है ना। एक राजा खेरूत की लड़की को ले आया, खेरूत मतलब खेती का काम करने वाली, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया, तो लड़की को वापस गावड़े में छोड़ आया। बोला तुम राजाई के लायक ही नहीं हो। यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं। उसके वो संस्कार वो वहीं के थे, उसको उसी तरह का खाना अच्छा लगता था जैसे खेती में खाते थे, राजा लेके आ गया था। कई कहानी है, एक राजा भिखारी को लेके आ गया, पटरानी बनाया। अब उसको पर उसको भीख मांगकर खाने की आदत है। वो खिड़की पे बैठती और वो खाना लेकर फिर बोलती थी उसको, ऐसे कुछ बोलती थी वो। अब वो अलग अलग बोले, वाड़ बाबा वाड़, ऐसे कुछ, मतलब वो अलग अलग लैंग्वेजेस की है। और फिर वो मांग लिया, उसके बाद फिर वो खा लेती। राजा ने कहा ही वापस वही ठीक है। इस तरह की कहानी है। तो बाबा हमको स्वर्ग की पटरानी बनाते, इच्छा मात्रम अविद्या, और एक्सपेक्टेशंस में चलते रहते। तो यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो।
कृष्ण के लिए भी कहते भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं है। ये सब इररिलीजियस माइंडेड, समझते ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, कुदरत है, बहुत है जो मंदिर टिकाने भी नहीं जाते हैं, न शास्त्रों आदि को मानते हैं, गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल ही नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वह क्रिश्चियन कुल के है वैसे तुम, हमारा कुल कौन सा है, जैसे कहते हैं ना क्रिश्चियन धर्म के, हम क्या कहेंगे हमारा कौन सा धर्म है, देवी कुल, देवता अर्थात ब्राह्मण, तो उसके भी पहले क्या चाहिए, सनातन। अभी अभी संगम युग में कौन सा ब्राह्मण, ब्राह्मण देवी घराने के है तो पहले ब्राह्मण कुल है ना, ब्राह्मणों का कुल है। पहले हम ब्राह्मण बनते हैं। तो अभी तुम बच्चों हो देवी कुल के, बाप कहते पहले पहले तुम बच्चों को, क्यों बाबा ब्राह्मण कहते, पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। शूद्र के कर्म कौन से, तो वो शूद्र के कर्म से ब्राह्मण बनाए, सबको पता है शूद्र के कर्म, सब नयों को पता है ना शूद्र के कर्म क्या है, झाड़ू पोछा करना। वो दुनिया में मानते हैं ना हरिजन कम्युनिटी ये है ये है, तो शूद्र के कर्म है कौन बताएगा, हाँ कौन से कर्म है यहाँ शूद्र के कर्म, बोलो राज भाई। माया के वशीभूत रहना, हाँ वो तो ठीक है, ग्रॉस आंसर है उसके, नहीं झाड़ू पोंछा बाथरूम। अच्छा तो यहाँ कौन सा करते, वो तो बहुत अच्छा कर्म है, यहाँ तो सफाई तो बहुत जरूरी है, आसुरी कर्म बोल सकते हैं, रावण से पहले, हाँ बोलो। दुख दुख देना ये भी तो शुद्र के कर्म होगा, लोभ अहंकार अपवित्र बनना ये शुद्र कर्म है, पवित्रता नहीं मतलब शुद्र। फिर दूसरा खान पान अशुद्ध खाना, वो शुद्र कर्म है। फिर लेट उठना शुद्र कर्म है, अमृत वेला और फिर मुरली नहीं सुनना शुद्र कर्म है। फिर क्रोध करना वो सब बाकी फॉलो करता है, बेसिक ब्राह्मण कर्म ये सब चीज। तो शुद्र कर्म बाबा कहते अभी तुमको शुद्र से ब्राह्मण बनाता हूं, तो चेक करना है कहीं शुद्र तो नहीं है, पूरे ब्राह्मण बने हैं। बाप कहते पहले पहले तुम बच्चों को पतित शुद्र से ब्राह्मण बनाता हूं, पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो, एक बाप के बच्चे भाई बहन हो, ये एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो, बुद्धि से जानते हो। कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। हम अपना पुरुषार्थ कर रहे क्यों, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ हमको मार्क्स देगा, मेरे को तो सैलरी मिलेगी ना, मैं सेवा करूंगी तो। बाकी वो बच्चा बना नहीं बना वो उसका भाग्य है, तो हमको तो अपनी सेवा करनी करनी, जितनों का कल्याण करेंगे, जितनों के निमित्त बनेंगे कि बाबा का ज्ञान उनके उनको सुना दिया, किसी के थ्रू भी कोई प्रोग्राम्स करा के कैसे भी करके कराया, मेरा भाग्य बन गया बस। हम ये नहीं देखते कितने निकलते, कभी एक ही जन आता है वर्कशॉप में, वो एक ही जन बाबा का पक्का बच्चा बन गया, और कभी 60 आते थे जब संडे को वर्कशॉप कराते थे, 60 आते थे, 10 निकलते थे कोर्स करने के लिए और कोई चलता नहीं, एक महीने के बाद सब छोड़ दिए। हाँ और कोई एक ही था 100% रिजल्ट,
ऐसा भी हुआ, तो हमें तो उससे मतलब नहीं है, उसका भाग्य, वो तो कल्प पहले जिन्होंने लिया होगा वो लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी उसका फायदा क्या है, ज्ञान को बाबा क्या कहते हैं, बीज है, सीड है। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर पहुंचेंगे। बाबा कितनी बार कहते बच्चे बीज डालते जाओ, कोई बीज है जल्दी फल देता है, कोई बीज है टाइम लगाता है, लेकिन बीज तो डाला ना, तो कभी ना कभी उस आत्मा को हो सकता है अंत में स्मृति आए, या कभी उसको याद आ गया हाँ इस वर्कशॉप में मैंने ये पॉइंट सुनी थी, अच्छी बात है। बस वो एक पॉइंट के कारण हो सकता है उसका क्रोध रुक जाए, कल्याण हो गया। इसलिए बीज डालते जाओ। दुनिया में कोई नहीं, अभी कब सैटरडे से शुरू करेंगे ना कोर्स, तो अभी से बीज डालो। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धे से जानते हो कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर पहुंच जाएंगे। आएंगे तो कुछ ना कुछ लेने के लिए, तुम्हारे में भी नंबर वार जानते, आज पावन बनने के लिए आए कल फिर पतित बन पड़ते। किसका खराब संग लगने से भूल जाते कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा, तो बहुत पापात्मा हो जाते। जैसे कोई किसका खून करते तो पाप लगता है ना, बाप का बनकर बाप को छोड़ा, वो पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारकती दे देते प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं, तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्य में क्रोध कॉमन होता है, यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो सेंटर पर किसी बाबा के बच्चे बनने, सेंटर पर किसी पर क्रोध किया तो दुनिया में तो कॉमन है ना, घर में क्रोध तो चलता ही है, डिसर्विस हो जाएगी, तो 100 गुना दंड हो जाता है। सेंटर पर कभी भी क्रोध नहीं करना है, कुछ भी बात तो बता दो ना, वैसे ही बहुत सेंसिबल है सभी, अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते हैं, धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की, आज बाबा थोड़ा सीरियस है, तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है, 100 times ईश्वर का बन करके। क्रिएटर तो वह एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है, धर्मराज भी क्रिएशन है, धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं। बाबा कैसे वहां बताएंगे, देखो सुनो, लास्ट में वहां सिद्ध कर बतलाएंगे, क्या बतलाएंगे, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बाबा के घर में प्रतिज्ञा की है किसी ने, क्रोध नहीं करेंगे, अच्छा किसी ने नहीं की, सेफ है मतलब, कोई ने नहीं की, हाथ नहीं उठाया, बाबा को संकल्प नहीं दिया कि आज बाबा ये हम लोगों ने अभी क्या था मम्मा डे में लिया ना, संकल्प लिखा ना, संकल्प लिखा था दादी के समय और शिवरात्रि के दिन बेलपत्र चढ़ाया था, चढ़ाया था नहीं चढ़ाया याद ही नहीं, संकल्प लिखा डायमंड पे लिखा ना, लिखा, अच्छा तो याद है ना अपने अपने संकल्प। देखो बाबा बाबा को सब याद है। अब आप कहेंगे अच्छा है जिन्होंने नहीं लिखा, ऐसा तो नहीं, क्योंकि वहां पे संकल्प वो करते हैं कि जल्दी से जिनका उल्लंघन नहीं होगा, नहीं तो पता है 100 गुना सजा मिलने वाली है। हाँ तो
क्रोध को छोड़ना है ये पक्की बात है, पर प्रतिज्ञा नहीं करी क्योंकि नहीं फिर सजा मिलेगी। अच्छा, प्रतिज्ञा नहीं करी पर कोशिश पूरी यही है कि छोड़ना ही है, ये है, पर बाबा के सामने प्रतिज्ञा वैसे नहीं करी अभी तक नहीं। तो शांति की प्रतिज्ञा करी। हाँ वो करी है, इसका मतलब शांत रहना इसका वो ठीक है पर हाँ। शांत तो रहने पर कभी कभी आ जाता है ना, तो इसलिए हाँ। वो थोड़ा सा अपना कहते हैं ना टैक्टिक्स लगाई है केवल। अच्छा, शांति का भी तो जो करेंगे उसका भी तो 100 times मिलेगा, ये थोड़ी है कि माइनस में ही 100 times है, प्लस में भी 100 times है सेवा की। अब ये 2500 साल बाबा कैसे राज्य देंगे, हमने किया तो इतना सा और एक जन्म में इतना, पर वो 2500 कैसे 100 times करेंगे ना बाबा, तो हर जगह 100 times। डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन 63 जन्मों का है तो जाते जाते सही जाएगा ना। ठीक है, पर फिर वो 100 times तो आएगा ही ना, फिर 100 times आने नहीं देंगे दीदी। और उसमें अब जैसे हम कहेंगे एक बार क्रोध किया ना, अब एक बार में मैंने एक बार जोर से बोला ऐसे नहीं ऐसे करो, थोड़ा सा जोर से बोला, वो एक बार का हो गया into 100 कि नहीं, थोड़ा मेजरमेंट है उसका कि 5 मिनट तक चलेगा तो उसका 100 times। ये सब है, मतलब डिसिप्लिन्ड होते हैं लेकिन ये सब into 100 है। देखो बाबा आज कह रहे हैं, आज की मुरली नोट करो, सब अंडरलाइन करो, धर्मराज का फरमान मिलता है, देखो क्या क्या फरमान है कि पवित्र बनना है तो ये फरमान इसकी अवज्ञा की, धर्म तुमने प्रतिज्ञा की थी, फिर बाबा बतलाएंगे हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। और फिर बिगड़ साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं, प्रूफ तो चाहिए ना। हम कहते हैं ना भगवान सब देखता है, सब देख रहा है। अभी हम क्लास में बैठे हैं, मतलब जो जो संकल्प चल रहा है सारी रिकॉर्डिंग है, ये पूरा हम इधर फोन पे बात करें एयरटेल में, वहां सर्वर में कैसे वो रिकॉर्ड हो जाता है पूरे, ऐसे फीलिंग्स का पूरी रिकॉर्डिंग है बाबा के पास। प्रूफ तो चाहिए, वह भी समझते बरोबर, मैंने बाप को छोड़कर ये कुकर्म किया, बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है, कितनी अबलाए बंधन में आ जाती है, सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसलिए बाप कहते हैं जो बदनामी कराता है, इसलिए बाप कहते हैं बड़ा ते बड़ा पापात्मा देखना हो तो यहां देखो, बाबा के घर में धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं ना तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं। बाबा कई बार ये एग्जांपल देते, क्या एग्जांपल है एक्चुअली कि बाबा के घर में आते हैं, बाबा फिर आज की तरह जोर से फटका लगाते, बच्चे की ना ये लो सजा खाओ सजा। तो ऐसी कुछ बात बाबा की सुन के फिर जोर से सटका लगा, फट गए, गए आए नहीं वापस। तो यहां भी सटका सहन न कर चले जाते, भाई यहां तो मुश्किल है, क्रोध करना भी अलाउड नहीं है, फिर पवित्र अपवित्र बनना भी अलाउड नहीं है क्योंकि पता है और करते रहे, खाओ सजा। फिर बाबा के तो फिर कहेंगे बस इससे तो ना मुरली नहीं सुनते, आप हमको सुना देना, डायरेक्ट मुरली हम नहीं सुनते, कई ऐसे कहते हैं क्योंकि डायरेक्ट मुरली सुनो बहनों से तो पता नहीं बाबा डायरेक्ट, फिर पर मुरली की भी इंटरेस्ट है, करे भी क्या। बाबा कहते हैं फिर ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। गुलजार दादी बताया करती थी, बाबा सजा देता है, वो तो साक्षात्कार हुआ है ना उनको, तो प्रूफ पूरा दिखाते हैं, एविडेंस कि उस दिन ये संकल्प किया था आपने, चलते चलते ऐसे संकल्प किया, ये लो उसकी ये सजा। अच्छे अच्छे संकल्प का भी मिलेगा ना, सब कुछ मिलेगा, डर तो नहीं गए, नए नए बच्चे डरे। हाँ दीपिका बहन,
हाँ राजू बहन सब डरे, सजा मिलेगी। कौन है? कुसुम बहन, तुलबा बहन, डरे तो नहीं? भक्ति में भी तो बोलते हैं सजा मिलेगी। हाँ भक्ति, भक्ति में बोलते वो तो जैसे ये डिटेलिंग है ना, कौन सी सजा? क्रोध किया कल पूरे दिन, क्रोध किया थोड़ा सा, हम सोचते मेड पे किया ना, क्रोध किया ना, क्रोध से बोले तो वो भी सजा ही है। चाहे किसी पर भी करो, यूज किया ना क्रोध को, अब खाओ सजा, बाबा कहते। तो ये एक्चुअली कोई जरूरी नहीं होता, ये एक संस्कार बन गया। अभी जो हम कर्म करते हैं दो तीन एक दो के बाद वो संस्कार होता है, वो नीड ऑफ द आर नहीं होता है, वो होता है ऑप्शन यूज करना होता है दूसरा। तो बाबा कहते हैं बड़े ते बड़ा पापात्मा देखना हो तो यहां देखो। तो ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जब तक पता, वैसे तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, पता नहीं है तो भी मिलेगा, पता होने के बाद तो 100% वो तो वैसे भी मिलेगा। अच्छा और देखो आगे और सुनो, ये वाले सुन लिया अपवित्रता का और बाकी ये सब, आगे सबको पकड़ता है बाबा। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है टीचर्स, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा, क्या करे अभी। बाबा के अच्छे धारण कर रहे हैं, उनको ले गए मधुबन, बाबा से मिला दिया और फिर वो विकारी बना। मैंने सोचा इसमें तो फिर हम भी फेल हो जाए, वे हमको क्या पता कि भाई बाद में जाके वो छोड़ दिया हाथ, उसका पाप ले आने वाले पर जाएगा। ऐसे कोई को भी, इसलिए ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लानी चाहिए। नीलम परी पुखराज परी की कहानी भी तो है ना, वो पत्थर बन गई, बाबा पारसनाथ बनाते, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं ये, और अगर पतित बनने वाले को ले गए फिर तो पूछो मत। ये तो नहीं, बाद में भी हुआ तो भी बाबा कहते उसको उसका दंड, राजा ही पाने का सौभाग्य गवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद में लेते हैं, गोद ले लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा, फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे है, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसलिए बाप कह देते हैं कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना है। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ न सके। सेंटर पर आते हैं ना, पवित्र नहीं होते हैं मधुबन विशेषकर, इंद्र सभा सेंटर या मधुबन पहले नॉट अलाउड होता था। ऑलराउंडर दादी होती थी पांडव भवन में, जब तक धारणा पूरी नहीं हो मेन हॉल में नहीं बैठने देते थे क्लास में। बाबा कहते हैं फिर वो इंद्र सभा में बैठ न सके। तो इंद्र सभा कौन सी है, इंद्र सभा कौन सी है? बाबा कहते हैं जो गंदी बन पड़ते वह ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ न सके। मधुबन में जब मुरली चलती है या जहां भी बाबा की मुरली चलती है वही इंद्रप्रस्थ हो गया ऐसे। बोलो पांडव भवन, इंद्र सभा कौन सी है? पांडव भवन मधुबन, जो भी सेंटर है हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है, जहां ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी पुखराज परी, परी नाम तो है ना, नीलम रतन को कहते हैं ये, बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। अभी तो ठीक है, मतलब यज्ञ से वैसे परमिशन है कि चलो ज्ञान, क्योंकि ज्ञान सुनते सुनते
बच्चे भी तो यही कहते बाबा हम ज्ञान सुनते सुनते तो पवित्र बनेंगे, ज्ञान सुनना तो अलाउड होना चाहिए। पर पहले ऐसे बहुत होता था, बाबा कहते कोई एक जवाहरात में तो नीलम रतन को कहते, ये बच्चों पर नाम रखे जाते हैं, कोई तो बहुत अच्छा जैसे रतन है, कोई फ्लो नहीं है, जवाहरात में कोई बहुत दागी होते, कोई एकदम प्योर होते हैं, यहाँ भी नंबर वन रतन है, नंबर वार रतन है, कोई कोई रतन बहुत वैल्यूबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कोई तो सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अख के फूल में भी कितना फर्क है, शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है, गुलाब के फूल कौन से, अक के फूल कौन से होते हैं, वो बिल्कुल जैसे खुशबू नहीं होती, खुशबू नहीं होती है, व्हाइट व्हाइट कलर के नहीं होते वो इस पे ना कोई रंग न रूप न रस न गंध ऐसा है। होते पर्पल पर्पल और व्हाइट होते हैं, हाँ वही होते हैं कि अब अच्छे उनकी सब मांगनी करते, तो जो अच्छे अच्छे फूल है उनकी मांगनी करते। अब अच्छे अच्छे रतन कहाँ से लाए, रतन ज्योत फूल तो कॉमन है होते, यह बगीचा है ना, तुम ज्ञान गंगाए भी हो, बाबा तो सागर ठहरा ना, यह है ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी, कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहां सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है वही होता है ना, सागर और मेले का, नदी का, गंगा सागर का मेला बरोबर। अब क्यों गंगा सागर का मेला, एक्चुअली रिचुअल है ना, ये सब यादगार है, तो इसका इसका याद कौन सा है, यादगार है अभी हम और बच्चों का जो बाबा से मिलन, ये संगम युग में हम हमारा और बाबा का जो मिलन हो रहा है, तो इसलिए मिलन को मेला कहते हैं। मेला मतलब क्या, मिलन, तो मिलन हुआ, गंगा सागर मिले, गंगा जाकर सागर में मिली, तो अर्थात हम ज्ञान गंगाए बाबा से मिलते हैं सागर, चाहे वो संगम युग में, संगम युग में या मधुबन की बात है, क्या कहेंगे, संगम युग में, संगम संगम होगा ना पहले तो, हाँ संगम युग, ऐसे नहीं कि मधुबन में जाएंगे तो ही वो गंगा सागर का यादगार है, ये अभी ज्ञान सागर अभी मिलते हैं बाबा से, वो तो है पानी की गंगा है। वास्तव में नदियों पर नाम बड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय ये भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते, उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं कि ये चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम हो सच्ची ज्ञान नदियां, वो है पानी की, वहां जाकर स्नान करते हैं, समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है। मनुष्य को तो कभी चार आठ भुजा होती नहीं है, ज्ञान वो स्नान करने से पानी में, तो बाबा कहते एक्चुअली रिचुअल है ना, रिचुअल करो नो प्रॉब्लम, पर उसका रियल अर्थ समझो, और जब अर्थ समझ में आएंगे तो वो रिचुअल वैसे वैसे करेंगे भी नहीं, दोनों बात है ना। और रियलिटी भी है, रिचुअल अभी स्नान कर लिया, स्नान का महत्व या तो बोलो फ्रेश हो, स्नान करने से पाप धुल गए, तो प्रूफ भी तो चाहिए कि पाप धुल गए, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वहां जाकर स्नान करते समझते कुछ भी नहीं। अच्छा मनुष्य को तो चार आठ भुजा होती नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं समझते हैं, तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं, हम तो कितने बेसमझ थे ज्ञान के पहले, क्या थे, समझदार या बेसमझ, बेसमझ थे ना, कितने, बहुत ज्यादा,
बाबा कहते हम तो 100% बेसमझ थे, 100% फुल बेसमझ। बाबा की गोद लेने से हम स्वर के मालिक बनते। भल कोई यहां कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी है जो बाप को नहीं समझते? देखो यहाँ बेशक अच्छी खासी सब कुछ है, वो आत्मा का भाग्य है, लेकिन यहाँ का सुख और स्वर्ग के सुख में रात दिन का फर्क है। बाबा कहते तुम्हारे में कोई ऐसे भी है जो बाप को नहीं समझते हैं, तो अपने को भी नहीं समझते हैं। देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, मैं कितनी खुशबू देता हूं। ठीक है, पहले बाबा ने क्या क्या देखने को कहा सबको याद है ना, सबको याद है। अब क्या देखना है, देखो मैं कितनी खुशबू देता हूं। आज वो आज के पुरुषार्थ में है कि मैं हमारा खुशबू किसे कहेंगे, नजदीक आए अच्छा फील करे। मेरे खुशबू इमोशन फीलिंग्स आर द परफ्यूम ऑफ द सोल, फ्रेग्रेंस ऑफ द सोल। तो जैसे ही मेरे साथ आए तो उसको फ्रेग्रेंस ले, शांति की खुशबू आए, सुख की खुशबू आए, तो मैं कितना खुशबू देता हूं। दूसरा, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूं, क्रोध तो नहीं करता हूं, टॉन्ट बोलना ये भी उल्टा सुल्टा बोलना है, क्रोध तो नहीं करता हूं। बाप झट चलन से समझ लेते हैं कि ये बच्चा कैसे होगा। अच्छा तंग आ जाते हैं, तंग है क्रोध का रूप, छोटे वो है, छोटे छोटे वो है, क्या है तुम बार बार पूछते हो, वही पूछते हो, क्रोध है, इरिटेशन हो गया ना, तंग आना, फर्स्ट गियर ऑफ एंगर क्रोध। तो बाबा आज कह रहे क्योंकि क्रोध किया ऊपर क्या है, ये सेकंड पेज का है, सब स्टडी करना ये सब 100 times और धर्मराजपुरी। बाप झट समझ चलन से समझ लेते कि ये बच्चा कैसे होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं, सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का ना फरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला मुआ भला बोलते हैं ना, मर जाए तो अच्छा, मतलब ना फरमान बरदार, कितना नाम बदनाम करते। मुरली सुने फिर क्रोध किया या कुछ ऐसी वैसी बातें की, तो बाप कितना नाम बदनाम करते। इसको कहा जाता है तकदीर, किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते ये सपूत बच्चा है, वो कपूत है। बाप बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा नहीं लेना है, लेना नहीं है तो क्या करेंगे। कितना बाबा समझाते है इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे न बने तो अब देखो लौकिक लौकिक की बात है ना, बाप पवित्र बने और बच्चे न बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता बाप की प्रॉपर्टी का। उसको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे देखो ये पक्के बच्चे की निशानी, फिर क्या कहेंगे वो, मतलब वो वर्षा के तो लायक नहीं है, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्मों के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है, नहीं, गृहस्थ की बात चल रही है ना, समझ में आया सबको, क्या बोला, क्या समझ में आया, बोलो मीनू बेन। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में अगर कोई बच्चा ऐसा निकल जाए तो आप सेंटर पे आके बैठ जाओ, गृहस्थ व्यवहार भी निभाना है ट्रस्टी बनके।
मतलब मनोज भाई बोलो बोलो भावना बन बोलो बाबा क्या कहना चाह रहे सुनाई दे रहा है क्या नहीं सुनाई दे रहा बाबा ने कहा मतलब ये तो लौकिक बच्चे के लिए श्रीमद बाबा ने कही है कि अगर पवित्र नहीं बनते तो वो बाप के बच्चे वो हकदार नहीं है बाप पवित्र बने और बच्चा ना बने तो वो हकदार नहीं हो सकता उसको बच्चा नहीं कहेंगे तो फिर हम कहेंगे शिव बाबा मेरा वारिस है वारिस बनाना होता है ना गृहस्थ में तो जो तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न देंगे पर इसका मतलब यह भी नहीं कि बाबा वारिस है जैसे वो ये सारा वो प्रॉपर्टी बाबा के लिए है पर ये नहीं कि बस मधुबन में आकर बैठ गए गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है परंतु ट्रस्टी होकर रहना इसको कहेंगे ट्रस्टी लॉज ऑफ ट्रस्टी बहुत कड़े होते ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे नहीं ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए अपवित्र कोई बैठ न सके नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे बाबा कोई श्राप नहीं देते यह तो एक लॉ है अपवित्र आत्मा बाबा के सामने बैठ न सके मधुबन में ले जाते नहीं है हम क्योंकि यह लॉ है नहीं तो उसका वो चीज ज्ञान फिर हमेशा के लिए उसकी बुद्धि में आएगा ही नहीं हम लोग मधुबन में सेमिनार है कॉन्फ्रेंस में नयों को ले जाते मधुबन दिखाना होता है इसलिए बाकी बाबा मिलन के लिए पूरे नियमों का पालन करना होता है तभी बाबा मिलन में जा सकते अच्छा भाई अक्टूबर में किस किस को जाना है बाबा मिलन में अक्टूबर नवंबर आएगा बाबा मिलन में जाना है हाँ वेरी गुड नए बताओ नयों में किसको जाना है पुराने तो खैर है ही अच्छा दीपिका बहन चलेगी और राजू बहन वंडरफुल मंजू बहन बहुत अच्छा बस तैयारी कर लो फिर अभी से बाबा मिलन का क्या अभी जून है ना अब जुलाई आ गया एनी टाइम नवंबर दिसंबर में हो सकेगा 7 जुलाई वाला कैंसिल्ड वो तो कैंसिल्ड बाबा मिलन मतलब रियल बच्चा जो बाबा मिलन में आ जाते हैं ना फिर वो सोचते कि हाँ ये पक्का ब्रह्मा कुमार है बाप कहते खबरदार रहना यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए अपवित्र कोई बैठ न सके नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे बाप कोई श्राप नहीं देते ये लॉ है बाप कहते फिर खबरदार रहना कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर किया तो यह हमारा बड़ी भारी मंजिल है बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी ना वैसे ख्यालात आएंगे बीमारी मतलब मन की बीमारी जो पहले कभी आए नहीं थे डरना नहीं है वैद्य लोग भी कहते ना अब कई कहते कि मुझे ऐसे ऐसे विचार क्यों आते हैं हालांकि मैं इतना रोज मुरली सुनता हूँ वैद्य लोग भी कहते फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी तुम डरना नहीं बाप भी खुद कहते तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगी खूब तूफान में ले आएगा अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है और कोई को राइट रॉन्ग की बुद्धि है नहीं सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाश काल है विपरीत है हमको तो कितना क्लियर है ये नहीं करना ये करना इतनी क्लियर बुद्धि मिली है प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार है पुरुषार्थ अनुसार है प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस प्रीत बुद्धि वालों की निशानी क्या है बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे बाबा की सर्विस जो अच्छी करेंगे मतलब प्रीत बुद्धि लगन हो सेवा की अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का
रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद वंडरफुल। पहला पॉइंट है ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उसके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा है ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं, उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। वरदान है संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाली बाप समान भव। संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। सदैव ये स्मृति में रहे कि मैं हर समय हर सेकंड हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूं। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियां बाप समान बना देगी। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी ना हो। तो स्टेज कौन सा? मैं स्टेज पर हूं और भविष्य स्टेटस। संपूर्ण स्टेज और भविष्य स्टेटस। तो इससे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि ये दोनों की स्मृति रहे। तो संपूर्ण स्टेज कौन सा है? मतलब ऑलवेज जब हम जैसे लोग होते हैं ना जो स्टेज कॉन्शियस होते हैं उस समय बहुत ध्यान से करते स्टेज कॉन्शियस होते। तो बाबा तो कहते वो दुनिया में कहते स्टेज में कॉन्शियस नहीं बनना चाहिए और बाबा कहते स्टेज कॉन्शियस हो। कॉन्शियसनेस में ये हो कि मैं स्टेज पर हूं, मतलब पूरी दुनिया मुझे देख रही है, ये फीलिंग। और दूसरा है स्टेटस, भविष्य स्टेटस। ये दोनों की स्मृति। दीदी दुनिया देख रही है, बाबा देख रहे हैं? दुनिया देख रही है, बाबा तो देख ही रहा है। वो तो पता ही है भगवान सब कुछ देखता है, वो थोड़ा यूज्ड टू हो गया है। जब दुनिया देखती है ना थोड़ा हम कॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़ा अलर्ट होते हैं। बाबा को तो कहते बाबा आप तो जानती हो ना मैं क्यों क्रोध कर रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों सोचाया, बाबा आप तो जानते हो ना। पर वो चीज हम दुनिया वालों को नहीं बता सकते। ठीक है जी, इसके लिए सिर्फ कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो बाबा स्टेटस क्या? भविष्य स्टेटस। स्टेज कॉन्शियस होना मतलब ही सोल कॉन्शियस होना। स्टेज कॉन्शियस का मतलब क्या होगा कि क्योंकि जब मुझे सब लोग वॉच कर रहे हैं तो चाहे मैं खाना खा रही हूँ बाबा के नियमों के अकॉर्डिंग खा रही हूँ, रॉयल्टी से खाना, मतलब हर चीज में वॉच करने वाले की फीलिंग होती है ना, तो बड़े
अलर्ट हो जाते. स्टेज का मतलब ही है कि पीपल आर वॉचिंग मी, ये फीलिंग है. स्लोगन है ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं है. जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता, जहां सर्व प्राप्ति है वहां प्रसन्नता. अच्छा, और आज का लास्ट है. आज का मनसा सेवा बहुत अच्छा है. बाबा ने उसमें कहा है कि जैसे कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो. जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपनी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना. यही आपका ऑक्यूपेशन है. इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो. बहुत अच्छी बात कही ना. जो बिजनेसमैन होता है ना, या इवन माताएं होती है, सपोज भोजन बनाने का होता है तो वो सपने में भी नमक मिर्ची डालती रहती है सब्जी में. आदत होती है ना इसी तरह. हाँ, उठाते हैं फिर बोले कि मैं अभी ना कड़ी बना रही थी. बिजनेस वाला होता है, सौदा करता रहता है. हमको क्या करना है, सपने में भी सेवा हो. पॉसिबल है फिर? जब वो पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है. मतलब जब हम याद कर रहे होते इतना अंदर घुस जाए कि फिर वो ऑटोमेटिक बाद में वो इस अनकॉन्शियस स्टेट में भी याद रहे. इसको कहेंगे मनसा से. अच्छा, आज क्या है अभी?